तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर के आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा का जो अभियान है वो चलाया गया, और उसी कड़ी में आज भी आपको बता दें कि प्रदेश में अलग अलग जगहों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, और उसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं जो कि आपको दिखाते हैं। इन कार्यक्रमों में पंचकुला में सीएम नायब सैनी ने हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर के हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया है। इसी तरह से कैथल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली थे, तो फरीदाबाद में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। तो हर घर तिरंगा अभियान आपको बता दें कि रविवार से इसका आगाज हुआ है, और आज भी प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है, जिसमें अलग अलग जगहों पर आप देखें कि जो मौजूदगी है बीजेपी नेताओं की रही है। सीएम खुद आज पंचकुला में हर घर तिरंगा अभियान के कार्यक्रम में मौजूद थे, और इसी तरह से कैथल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और फरीदाबाद में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा शामिल हुई हैं, और महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भी हर घर तिरंगा अभियान में शिरकत की है। किस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र सिंह शाही ने किस प्रकार से लोगों के लिए आज मैं कहूँगा राणा प्रदेश चंद्र कार्य किए, घोषणा ने की, इम्प्लीमेंट किया है। मैं कहूँगा किसानों की MSP पर फसल लेने वाला हरियाणा पहला स्थान हो चुका है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है, 500 रुपये का गैस सिलेंडर देने की पता करें, बहुत चीज़ें हमने की है, लीली बड़ी कार्तिक लीली होगी। मुख्यमंत्री घोषणा नहीं करे, इम्प्लीमेंट करे मुख्यमंत्री। 2000 किसानों के खाते में जो कहा कि बारिश ना होने की वजह से